हाय दोस्तों, राधे राधे। आज हम बनाएंगे आलू और गेहूं के आटे का चीला। इसके लिए हम आलू लिए हैं 5 गो, जो उबला हुआ है इसे हम छील लिए हैं। इसको हम महीन से चूर लेंगे। देखिए, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं, इसमें लोड़ा ख़त्म हो गया है। इसके लिए काटेंगे 2 टमाटर, हरी मिर्च, 1 आदि का टुकड़ा और 4 मीडियम प्याज, जिसे छील कर धो लिए हैं। इस सबको हम बारीक से काट लेंगे। आप इसमें चाहे तो और भी कुछ अलग अलग तरह का भेज ले सकते हैं। अब चाहे तो मिर्ची और ज़्यादा कम कर सकते हैं अपना स्वाद के अनुसार। मिर्ची को हम इसी तरह से बारीक से काट लेंगे। देखिए, सबको हम काट लिए हैं। अब इस आदि को हम कद्दूकस कर लेंगे। दो 3 लहसुन का कली लिए हैं, इसे भी हम बारीक से काट लेंगे। ये देखिए, मसाला सब कट गया है। अब हम आटा को सानेंगे। इसके लिए एक बॉल लेंगे, कटोरा। हम 2 चम्मच, बड़ा चम्मच है, इससे आटा लेंगे। गेहूं का आटा है। में थोड़ा सा बेसन लेंगे और थोड़ा सा 1/2 चम्मच सूजी लेंगे। अब इसको हम पहले पानी देकर अच्छे से घोल बना लेंगे। ज़्यादा पतला नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा ही पानी देंगे। अच्छी तरह से इसे मिला लेंगे। इसमें कोई भी गांठ नहीं रहना चाहिए। अब हम इसमें आलू मिला देंगे और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें इस सारे सब्जी को डाल देंगे। मिर्ची, टमाटर, लहसुन आदि। अब इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, हल्दी और थोड़ा सा काश्मीरी मिर्च और 1 चम्मच गोलकी पाउडर और 1 छोटा चम्मच गरम मसाला और ये धनिया पत्ती। अब इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम और थोड़ा सा पानी डालेंगे। ये खाने में बहुत अच्छा लगता है, बच्चे भी इसे अच्छे से खाते हैं। जब सब्जी बनाने का मन नहीं रहता तो इसी तरह से बना लेते हैं। देखिए, ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। इसमें थोड़ा सा और पानी डालेंगे क्योंकि ज़्यादा हार्ड है। देखिए, ये पेस्ट बन के तैयार हो गया है। अब तवा गरम करेंगे। देखिए, तवा गरम हो गया है। अब इसमें हम थोड़ा सा तेल डालेंगे। इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। आंच को मीडियम में रखना है।
इस तरह से देखकर धीरे धीरे इसे पसार देंगे। अब जब ये नीचे से लाल हो जाए, अच्छा से पक जाए, तभी इसे हम पलटेंगे। पहले से पक गया है, अब इसे हम पलट लेंगे। मीडियम आंच में ही इसे पकाएंगे। इसको अच्छे से पलट पलट के पका लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ये चीला गेहूं का आटा का, खाने में भी अच्छा लगता है। मेरी रेसिपी अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आपसे निवेदन है, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे चैनल को, जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। जिसके जिनके पास ये वीडियो जाता है सब लाइक कर दीजिएगा। ये चीले को हम दोनों तरफ से पलट पलट कर अच्छे तरह से पका लेंगे। ये कितना सॉफ्ट भी है और देखने में भी अच्छा लग रहा है और खाने में भी अच्छा लगता है। इसी तरह से हम सारे चीले को बना लेंगे। देखिए दोनों तरफ से अच्छी तरह से पक गया है, अब इसे हम निकाल लेंगे। इसी तरह से हम सारे चीले को बना लेंगे। अब ये तैयार हो गया है, इसे हम निकाल लेंगे। ये देखिए मेरा सारा चिल्ला बनके तैयार हो गया है। इस तरह से कितना मुलायम और सॉफ्ट है, देखिए खाने में भी अच्छा लगता है। अब इसे हम परोस सकते हैं चटनी के साथ। प्लीज़ मेरी रेसिपी अगर अच्छा लगा तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।